नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करके बड़ी और अहम खबरों के साथ। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में भाई भतीजीवाद फैला रही है और आम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगारों के साथ छल किया जा रहा है। जब पेपर देने जाते हैं तब पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। उन बेरोजगारों की भावनाओं को समझो और उन्हें ठेस पहुंचाते हैं जो उसको रोको। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है। मनोज सिसोदिया दिल्ली में शिक्षा का स्तर इस कदर पहले पायदान पर लेकर आए, दुनिया जानती है। चलिए रुककर अगली खबर की ओर। पौड़ी में ही शासन और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही अंकिता भंडारी की मां ने डीएम पौड़ी आशीष चौहान से मुलाकात की है। अंकिता की मां ने कहा है कि बेटी की सीए की पढ़ाई छूट गई है और उनके पति बीमार चल रहे हैं, लेकिन परिवार की कोई सुध नहीं ले रहा है। अंकिता की मां ने कहा है कि पूर्व में सरकार ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए हैं। और अंकिता भंडारी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि अंकिता की मां ने कहा कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलने में भी लेट लतीफी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। उन्होंने डीएम कार्यालय परिसर में परिवार और ग्रामीण के साथ आंदोलन की चेतावनी दी है और इस दौरान डीएम ने कहा है कि आईसीएआई से सीए की पढ़ाई कर रहे अंकिता के भाई को इंटर्नशिप का ऑफर लेटर दे दिया गया है। डीएम ने अंकिता के पिता के स्वास्थ्य की जाँच के लिए डीएमओ और इसके साथ ही आपको बता दें सीएमओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि परिवार के हर संभव मदद के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके जो अंकिता भंडारी की माताजी अपने बेटे के जॉब के लिए जो बात कर रही थी, तो उस संबंध में हम लोगों ने उनके बेटे से बात करते हुए टीएसडीसी में आर्टिकलशिप सी आर्टिकलशिप के लिए जिसमें 15,000 का स्टाइपेंड का के प्रावधान है, वो सारी मतलब उससे संबंधित कॉल लेटर उस बच्चे को मिल भी चुका है। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि उन्होंने हमसे, सीएम धामी जी ने हमसे वादा किया था मेरे पति से भी कि जब मेरे बेटे की अंत्येष्टि की थी तो उन्होंने कहा था कि आप जो मांग रखोगे हम पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी मांग पे हमारे मतलब 5 महीने हो गए, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी नैनीताल भाग रहे तो कभी कहीं भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे, अभी तक हमें मतलब कोई मतलब न्याय नहीं मिला। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुरादाबाद रोड पर नवीन कृषि मंडी गेस्ट हाउस में क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और पूर्व विधायक ही हरभजन सिंह चीमा ने जल निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग और पुलिस विभाग और इसके साथ ही नगर निगम, विद्युत विभाग समेत लगभग 19 विभागों के साथ ही समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें समस्त विभाग के अधिकारी गणों ने ही प्रतिभाग किया है। और मुख्यतः सबसे ज्यादा आपको बता दें कि नगर क्षेत्र में आरओबी निर्माण के चलते यातायात व्यवस्था को लेकर समस्या के लेकर भी चर्चा की गई है और साथ ही अमृत योजना के तहत चल रहा धीमी गति से कार्य के विषय में भी चर्चा की गई है। और इसी के साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया है कि सीपीओ और यातायात पुलिस को नगर क्षेत्र में लगाया गया है और जल्द ही यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। और इसी के साथ ही समस्त विभाग के अधिकारी ने उनके सामने आ रहे समस्याओं के बारे में भी विधायक त्रिलोक सिंह चीमा को जानकारी दी है। उन्होंने जल्द ही इसको लेकर समस्या का निराकरण और इसके साथ ही आश्वासन भी दिया है। मैं अलग अलग विभागों को बुलाया है, इसमें 19 विभाग आए हैं और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी हमने प्रोग्रेस को एग्जामिन करने का कार्य किया है। तो ज़्यादातर जो विभाग हैं जितना भी प्रोग्रेस है ठीक प्रोग्रेस चल रहा है, लेकिन
होगा कि काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई। इसमें 19 डिपार्टमेंट, आज सारे डिपार्टमेंट यहाँ उपस्थित हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट से जो समस्याएं हैं उनका यहाँ पे चर्चा की जा रही है। अन्य विधायक काशीपुर जी के द्वारा आज एक मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें सभी विभागों के जो पदाधिकारी हैं जो यहाँ पे कार्यरत हैं उनको बुलाया गया है, और सड़क से लेकर के अन्य जितनी भी समस्याएं हैं, पुलिस रिलेटेड जो इशू हैं, माननीय विधायक जी के द्वारा सब फीडबैक लिया गया। इसके अलावा जो आम जन के द्वारा एक जो जनरल परसेप्शन है या जो चीज़ें हैं लोगों के द्वारा आकर के वहाँ पर निवेदन किया गया। देहरादून के रानी पोखरी, रायवाला ऋषिकेश और डोईवाला थाना क्षेत्र में आने वाले महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की काउंसलिंग के लिए अब पीड़ित को ही देहरादून की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। एसएसपी के निर्देश पर ऋषिकेश कोतवाली में महिला काउंसलिंग सेल खोल दिया गया है, जिसके प्रभारी की जिम्मेदारी महिला सब इंस्पेक्टर मीनू यादव, दो महिला कांस्टेबल आशा हिना रावत के साथ 5 लोगों को सौंपी गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मीनू यादव ने बताया है कि दिलीप सिंह कुमार के आदेश पर ही ऋषिकेश कोतवाली में महिला काउंसलिंग सेल खुल गई है, और अब रानी पोखरी, रायवाला, ऋषिकेश और डोईवाला थाना क्षेत्र में आने वाले महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों में पीड़ितों की ही काउंसलिंग ऋषिकेश कोतवाली में की जाएगी। और अभी तक ये सभी काउंसलिंग राजधानी देहरादून में की जाती थी। और मीनू यादव ने यह भी बताया है कि महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की गोपनीयता बनी रहेगी और इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। महिला काउंसलिंग सेल का रूम अलग से बनाया गया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों की जमानत याचिका पर अपर जिला जज की अदालत में शुक्रवार 10 मार्च को सुनवाई होगी। आपको बताते चले, कोर्ट में आरोपी पुलकित आर्य की बेल रिजेक्ट होने के बाद ही अब आरोपी सौरभ को इसके लिए आईडीजी कोर्ट में ही बेल एप्लीकेशन लगाई है, और जिस पर शुक्रवार को ही सुनवाई होगी। अब इस बीच आरोपियों के वकील द्वारा जिला जज को सुनवाई के लिए ही एप्लीकेशन डाली गई है, जिसमें जिला जज को अवगत कराया गया है कि एडीजे के अवकाश पर चले जाने के कारण जिला जज की अदालत में सुनवाई हो। और अंकिता के परिजनों की ओर से नियुक्त वकील अजय कुमार पंत ने कहा है कि आरोपियों की बेल के खिलाफ कोर्ट में तहरीर 164 के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर कोर्ट में पैरवी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह का अपराध आरोपियों ने किया है उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि अपराधियों की बेल की अपील को खारिज किया जाए। हमारी तरफ से यह रहेगा कि हम इसका जो विरोध करेंगे, क्योंकि जो 164 के बयान एसआईटी ने कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो उसके साथ जो घटना हुआ अंतिम समय तक उसके साथ देखा गया है एक्यूज को, वो कोर्ट के सामने इस चीज़ को रखेंगे। और कोर्ट इन सब बातों को देखते हुए 164 के बयान और जो अन्य बयान जो हुए हैं उन सब तथ्यों के आधार पर हम बेल का पुरजोर विरोध करेंगे और संभवतः उन्हें बेल ना मिलने के लिए कोर्ट से घुरा लगाएंगे। नई सुनवाई उसकी 10 मार्च है, किंतु उनके जो अधिवक्ता के जो अधिवक्ता हैं मिस्टर जवाड़ द्वारा, उसमें एडीजी के अवकाश में जाने के कारण ट्रांसफर एप्लीकेशन जिला जज के यहाँ लगाई है, संभवतः उस बेल की सुनवाई जिला जज करें। उत्तराखंड प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए जुट गई है, और मंगलोर के ही मोरिया होटल में बीजेपी की चल रही प्रदेश कार्यसमिति अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन में पहुंचे हरिद्वार सांसद डॉक्टर निशंक रमेश पोखरियाल ने कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ ही अल्पसंख्यक को जोड़ने का आह्वान किया है, और केंद्र सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किए जाने की अपील की गई है। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल ने कहा कि भारतीय
भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक पहले से ज्यादा मजबूत हुई है और देश प्रदेश के मुस्लिम समाज पहले से ज्यादा बड़ी तेजी के साथ भाजपा से जुड़ा हुआ है और लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। मंडल में जाना है और अल्पसंख्यक बहुल्य बूथों पर जाना है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं प्राप्त होते हैं, उन बूथों पर जाकर के अपने आने वाले समय में बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर हम इस प्रदेश कार्य समिति का हम आज समापन कर रहे हैं। जिसने किया है, कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी है और इसीलिए पूरी तादाद में, बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज जो नवोदित हमारे पदाधिकारी हैं, नई नियुक्तियां जिनको मिली हैं, नई जिम्मेदारियां मिली हैं, उनका अभिनंदन भी हमने किया है। धामी सरकार प्रदेश में अब बच्चों के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रही है, जिसके तहत राज्य के 1124 स्कूलों के छात्र अब नए शैक्षणिक सत्र के ही स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसके तहत बच्चों को स्कूल में अब कंप्यूटर और प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी और इसके साथ ही बच्चे इंटरनेट के जरिए भी देश दुनिया से जुड़ सकेंगे। डीजी शिक्षा वंशीधर तिवारी ने कहा है कि सरकार ने स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके तहत हर स्कूल को ही स्मार्ट क्लास बनाने के लिए 2.40 लाख दिए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए ही लगभग कुल 20 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दे दी है। देखिए, हमारे 1100 स्कूलों के लिए स्मार्ट क्लास स्वीकृति मिली थी। इसमें एक एक स्कूल में दो दो जो क्लासेस हैं, दो दो कक्षाएं हैं, उसमें हम लोग स्मार्ट क्लास की कक्षा संचालित करेंगे और मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो की तुगे समिति की बैठक हुई जिसमें इसको मंजूरी दी गई है, शीघ्र ही हम लोग इसका कार्य शुरू करेंगे। तो इसमें क्या क्या रहेगा, बच्चों को किस तरह से बजट इसमें सर अभी इसमें 20 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं और ये बेसिकली क्या है, ये ऑडियो विजुअल कंटेंट है और 3D है, उसमें वीडियोज़ हैं, लेक्चर भी हैं और बोर्ड की तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। काफ़ी आकर्षक होता है, जो बच्चों को मतलब काफ़ी मन लगा करके पढ़ते हैं और चूंकि इसके कंटेंट आकर्षक हैं और 1 to 12th जो हमारा CBSE का पैटर्न है। होली के त्यौहार को देखते हुए पौड़ी जिलाधिकारी के सख्त आदेश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोटद्वार नगर में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान नगर के होटलों और दुकानदारों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और इस अभियान से ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। होली पर खाद्य पदार्थों में ही मिलावट ना हो सके, इसके लिए पौड़ी का खाद्य सुरक्षा विभाग ये अभियान चला रहा है और आगे भी इसी तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। पौड़िया चौराहे पे वहाँ पे चेक किए हैं, लेकिन हमें किसी भी वाहन में कोई भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ या मावा वगैरह नहीं मिला है। उसके तत्पश्चात हमने 3 दूध के नमूने लिए हैं जो कि बिजनौर नजमाबाद से कोटद्वार में सप्लाई करते हैं और तत्पश्चात अभी हम लोग मार्केट में एक मावे का और अभी एक मिल्क केक का नमूना लिया है और हम अभियान को आगे भी जारी रख रहे हैं। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। किच्छा थाने के द्वारा क्षेत्र में वांटेड अपराधियों की पार्टी पकड़ने की मुहिम में चलाई जा रही है और जिसमें किच्छा थाने को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। पुलिस के द्वारा क्षेत्र में वांटेड घूम रहे अपराधियों की धर पकड़ अभियान चलाया गया है और इस अभियान में किच्छा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 वारंटियों की पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है।
पंतनगर 2 मार्च 2023 रामनगर में प्रस्तावित G20 की तैयारियों के दृष्टिगत प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार उप सचिव भारत सरकार विकास श्रीवास्तव ने पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचकर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की जा रही तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली है। जिलाधिकारी युगल किशोरी पंत ने बताया है कि मुख्य सचिव द्वारा ही तैयारियों के संबंध में स्थलीय निरीक्षण के साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें आपको कि उन्होंने ये भी बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को दायित्व देते हुए समय से सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने हेतु निर्देशित भी किया गया है। साप्ताहिक बाजार बंद होने के बावजूद कोयल घाटी से पुरानी चुंगी के बीच 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा और जाम के दौरान स्कूल जाने वाले छात्रों को सबसे ज्यादा फजीहत झेलनी पड़ी है। और बता दें आपको कि जबकि रेंग रेंग कर वाहन चलने की वजह से लोगों को काफी असुविधा हुई है। दरअसल गुरुवार की सुबह हरिद्वार रोड पर मौजूद कोयल घाटी से पुरानी चुंगी के बीच वाहनों का लंबा जाम देखा गया है। NH डोईवाला डिवीजन के द्वारा इस क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का भी काम किया जा रहा है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं होने की वजह से इस जाम का कारण बना बताया जा रहा है और जाम के दौरान ही ओवरटेक कर आगे निकलकर ही वजह से जाम की स्थिति और ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दी है। हरिद्वार में बहादुराबाद में ही सहारा इंडिया की 555 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त का रोक लगा दी गई है और प्रॉपर्टी डीलरों और खरीदगारों को भी इसके बाद हड़कंप मचा हुआ दिखाई दे रहा है। बहादुराबाद में हाईवे किनारे बड़े स्तर पर ही प्लांटिंग का खेल चल रहा था और चंद महीने में ही 387 प्लाट बिके हैं और DM हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने बड़ा एक्शन लेते हुए सहारा इंडिया समूह की इस जमीन की बिक्री को लेकर रोक लगा दी है। निवेशकों द्वारा ही शासन में शिकायत कर सहारा इंडिया कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और निवेशकों का आरोप है कि उनके पैसे लौटाने की बजाय सहारा इंडिया कंपनी उन्हें गुमराह कर उनका धन हड़पने की फिराक में है। आरोप है कि कंपनी के अधिकारी निवेशकों के पैसे से खरीदी गई और जमीन को औने पौने दामों में बेचकर भागने की फिराक में है। सारा स्टेट्स का जो यहां लैंड है हरिद्वार में, तो उसके रिगार्डिंग शासन से कुछ इंस्ट्रक्शन आए थे कि जो इनका लैंड है यहाँ पे उसको अग्रिम आदेशों तक उसको सेल आउट करने से रोका जाए। तो उसी क्रम में DM सर के द्वारा SDM हरिद्वार मुझसे रिपोर्ट कलेक्ट किया गया था और प्रॉपर रिपोर्टिंग करने के बाद DM सर के द्वारा अग्रिम आदेशों तक उसमें क्रय विक्रय पर रोक के ऑर्डर इशू किए गए हैं सबरजिस्ट्रार को और SDM हरिद्वार को। तो जो भी ऑर्डर है उसको प्रॉपर उसको फॉलो करवाया जाएगा। सर जमीन कितनी होगी लगभग? जमीन अराउंड 555 कच्चे बीघे के आसपास है, अराउंड 37 हेक्टेयर और बादराबाद हाईवे से लगती हुई जमीन है। तो जो भी डायरेक्शन है उसका पालन करवाया जाएगा। सर जमीन है किसकी है? सर ये सारा स्टेट्स के नाम है और जिस पर कि आई थिंक कुछ लोगों के द्वारा कॉलोनी भी डेवलप करने की जा रही है, शायद जो चीज़ें नॉलेज में आई है। तो जो भी DM सर के ऑर्डर है उसको फॉलो करवाया जाएगा। घरेलू और व्यावसायिक गैसों के दाम बढ़ाए जाने पर जिला मुख्यालय पौड़ी में ही कांग्रेसियों ने आक्रोश जताया है और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन भी कर दिया है। कहा है कि भाजपा सरकार में महंगाई ने लगातार रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसमें आम जनता काफी परेशान है। इसका खामियाजा आने वाले निकाय और लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने नेतृत्व में ही जिला मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेसी इकट्ठे हुए और यहाँ पर उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया और साथ ही सरकार का पुतला भी आग के हवाले कर दिया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोगों ने यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि कांग्रेस हर बार जो जन विरोधी नीतियाँ भाजपा सरकार की चल रही हैं उसका लगातार विरोध कर रही है। उसी क्रम में हम आज लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं।
आप देख रहे होंगे कि लगातार रसोई के दामों में जो वृद्धि हो रही है और जो रसोई के दाम है आसमान छू रहे हैं। कहाँ जब बात यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तब 465 रुपए का यहाँ पर सिलेंडर था। एक सिलेंडर को दो मिलते हैं और जब कहो तब मिलते हैं। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, सभी चीज़ों की बढ़ोतरी हुई है तब और हार आदि, जैसे रशिया का मामला है, यूक्रेन की लड़ाई है, उसकी वजह से तेल में भी है, इसमें भी वृद्धि हुई है। तो ऐसा व्यवस्था हो रही है कि जैसे ही वो ठीक होगा इंटरनेशनल स्तर पर निश्चित रूप से कम हो जाएगा। दिनेशपुर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत के निर्देशों के क्रम में ही राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान दिनेशपुर में अप्रेसरी मेला का आयोजन किया गया और मेले में सिडकुल पंत नगर सहित काशीपुर और किच्छा की अनेक प्रौद्योगिक अर्ज के साथ ही औद्योगिक इकाइयों ने ही अपने प्रतिनिधि भेजकर भाग लिया है। और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट मैं अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे। अगर कोई चुनाव को देखते हुए बरसाती मेंढक निकल के इस तरह से आ जाए जनता को भड़काने के लिए, तो जनता भी आज समझती है, बहुत सारी चीजें जनता की भी समझ में आती है कि आज दिनेशपुर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रोजगार मेले का और अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हर महीने ये अप्रेंटिस मेला संपन्न होना है गोविंद आई टी आई में। इस बार आई टी आई दिनेशपुर को चुना गया। इसमें पूरे कुमाऊं मंडल में यहाँ दिनेशपुर में मेला लगा। इसमें हमारे सिडकुल और काशीपुर के कई उद्योग जिनमें इंडिया ग्लाइको और सिडकुल पंतनगर की टाटा मोटर्स, सनसेरा और पार्ले बहुत कंपनियों के प्रतिनिधि आए। फिलहाल अपने उत्तराखंड में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।